यूपी में पीएम मोदी की रैलियों का रथ चलने वाला है। आने वाले 8 दिनों में पीएम मोदी एक बार फिर यूपी में 3 दौरे करेंगे और देखा जाए तो पिछले 1 महीने में अब तक 9 बड़ी रैलियां कर चुके हैं। क्या मोदी के सहारे ही यूपी को जीता जा सकता है, देखिए इस रिपोर्ट में। काशी वो है जहां जागृति ही जीवन है, काशी वो है जहां मृत्यु भी मंगल है, काशी वो है जहां सत्य ही संस्कार है, काशी वो है जहां प्रेम ही परंपरा है। देश के सबसे बड़े सूबे यूपी में भी चुनावी समर के शुरू होते ही पीएम मोदी ने मोर्चा संभाल रखा है और लगातार यूपी के दौरे पर है। पिछले 1 महीने में पीएम मोदी ने यूपी में अभी तक 9 दौरे किए, जिसमें पूर्वांचल में 4, पश्चिमी यूपी में 2, बुंदेलखंड में 2, अवध में 1 दौरा किया है। पीएम मोदी ने इन दौरों पर जहां यूपी को अरबों रुपए की सौगात दी है, वहीं बीजेपी के चुनावी रथ को पंख लगा दिए हैं। लेकिन पीएम मोदी के दौरों का सिलसिला यही नहीं रुका, अगले 8 दिनों में वो फिर यूपी के दौरे पर रहेंगे, जिसमें 21 दिसंबर को प्रयागराज, 23 दिसंबर को वाराणसी और 28 दिसंबर को कानपुर दौरा शामिल है। 13 दिसंबर को 2 दिन के दौरे के बाद एक बार फिर पीएम मोदी काशी को बड़ी सौगात देने वाले हैं। पीएम मोदी 23 दिसंबर को काशी में रैली करेंगे, जनता को करीब 1500 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी के दौरे के लिए काशी में एक बार फिर तैयारियां शुरू हो गई हैं, क्योंकि काशी पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है और बीजेपी को चुनाव में इस बार भी यहां बंपर जीत मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर के बाद 23 दिसंबर को फिर से अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं। इस दौरान वो 1500 करोड़ का तोहफा भी काशीवासियों को देंगे। यूपी में 2017 का विधानसभा चुनाव हो या फिर 2019 का लोकसभा चुनाव, पीएम मोदी ही चेहरा रहे और उनका मैजिक चला है। इसीलिए 2022 के लिए भी बीजेपी पीएम मोदी की ज्यादा से ज्यादा रैलियां यूपी में करा रही है, ताकि एक बार फिर यूपी की सिरमौर बन सके।